गिरना नहीं भाई साहब। ओ आराम से आराम से भाई, कॉन्फिडेंस देखो लड़कियों का कैसे भागते हुए जा रही है। तनुजा खुद से बर्फ डाल रही है। ओ भाई 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 भाई, भाई। मारी और बता से। कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। वेलकम बैक टू टीके डीजी व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए, हम भी बढ़िया हैं। और गाइस हम कल आ गए थे, जैसे आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हम होटल पहुंच गए थे, बट कल ना गाइस बहुत थक गए थे और ना और कुफरी में ना ध्रुव ने मेरे सर के ऊपर इतनी बर्फ़ डाल दी थी, इतनी मेरे को बहुत हेडेक हो रही थी, तो मैं मेडिसिन खा के सो गई थी। तो आज फ्रेश है, आज हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो देखने लायक होगा, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में आगे तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गाइज आप ना पहले यहाँ का व्यू देख लो, हम कितनी अच्छी लोकेशन है, ऐसा लग रहा है ना पहाड़ों वादियों में ना हम मज़े ले रहे हैं। बाकी गाइस सामने देख सकते हैं आप, बर्फ का पहाड़ दिख रहा है वाइट वाइट, और अभी हमने उस साइड ही जाना है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ठीक है, यस। हमारे साथ एक और लड़की जॉइन हुई है, वो कैमरा शायद, ये है मेरी फ्रेंड, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो हम ना काफी टाइम बाद मिल रही, ये जॉब करती है, तो मतलब में जॉब करती है, तो हमने सोचा चल मिलते हैं और घुमा भी लेगी, क्योंकि अंकू ने तो कल से हमारे को बस उम्र ऊपर से ही है। वैसे ये मेरी शादी में भी आई थी। रेडी हो चुके हैं हम और निकलने लगे हैं, और तनुजा ने हमें ज्वाइन किया है। अंकु अभी पता नहीं कुछ आईडी का काम करवा रहा है, जैसे ये काम कंप्लीट होता है उसके बाद हम निकलते हैं। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर ली है और अभी जा रहे हैं ऊपर लेफ्ट साइड। ऊपरली साइड है जी, कुछ स्नो एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे, तो लेट्स डिस्कवर दैट। एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट मिला है अभी, मतलब यार इतना अमेजिंग लग रहा है ना, मतलब सीरियसली आप हमारे एक्सप्रेशन से ही देख सकते हो। और अब देखिए पूरे स्नो कैप माउंटेन्स वहाँ, ये वाले ना किन्नौर वाले हो गए शायद। ना ना यार, हाँ किन्नौर उधर को कहाँ, हिमालयाज है, हिमालयाज है यार। चल भाई नीचे भी बर्फ है, ऊपर चलते हैं। अब धोमड़ी जहाँ की बर्फ पड़ी है, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ है और वहाँ पे मेल्ट नहीं हुई अभी तक बेसिकली। चलो फिर यहाँ पे आपको शूज़ भी मिल जाएंगे ऊपर के लिए, बर्फ़ के लिए, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है। रेंट पे लो अगर आप अच्छे जूते नहीं लेके आए, क्योंकि बर्फ़ में अच्छे जूते होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अंकु तो गिरना शुरू हो गया है, मैं भी गिर सकता बट मेरे शूज़ है ट्रैकिंग वाले, हमारे पे ही ना बन जाए। नहीं नहीं, पूरी ब्लैक आई जमी हुई है गाइस, ये देखिए आप गिरी हो मत अंजू। और अंजू ने आज वो ड्रेस पहनी है जो मैंने दिलाई थी इसको। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ है यार, तो जूते अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो पहाड़ों में कुछ इस तरह से बर्फ़ साफ़ की जाती है। अब थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि बहुत ही कंटिन्यूसली ब्लैक आइस है। गिरी हो मत अंजू, आराम से चलो तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, गिरना नहीं भाई साहब। ओ आराम से आराम से यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा, इनका फोन गिर गया फिर चलते हुए। दीदी के पास तो भाई यहाँ फिसल रहे हैं, मैं तो आराम से आऊंगा, तुम चलो आराम से भाई, मतलब सीरियसली हमारी मुश्किल हो रहा है। चिल तो भाई अंकु चल रहा है एकदम, फोन यूज करते हुए इतनी ब्लैक आइस में, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाय, इसको लग नहीं रहा डर। तो लोग फुल पावर एंजॉय कर रहे हैं। अंजना कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? अभी तो हमने ऊपर जाना है बर्फ के, वहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ बोल रहे हैं, अब पता नहीं कैसा रहता गाइस, मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। क्या बोला था मैं? बस देख लो बस अंजना को अभी इस हालत में, वापसी में कहीं गिरती पड़ते ना आए। चलो लेट्स सी, अंकु है बहुत चिल भाई। बाकी चले अब ना थोड़ा रिकॉर्ड कम करते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंचने का करते हैं। दोस्त आजा आजा, दोस्त एक दोस्त मिल गया रास्ते में, खेलते हुए जा रहा है फुल पावर। सही बात है यार, जूते भी वो नॉर्मल वाले हैं, है ना यार। यार इसको ना एक्सपीरियंस है चलने का, पैर दबा के चलो यार तुम ना, बातें कम करो क्योंकि आगे शायद आ गया है वो ग्राउंड। तो क्या हुआ
अंकल गिर ज्यादा स्टंट दिखा रहा है, कोई ज्यादा स्टंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे स्लो चलो, यहाँ पे ना क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आती है तो इस करके बहुत ही ज्यादा ब्लैक आइस है। तू ना गिर जाइए बस। ये स्पॉट है भाई फिसलने वाला, इस स्पॉट में आराम से चलना। यहाँ पे अंकु भी फिसल रहा है भाई, ये वाली तो बड़ी खतरनाक है। मतलब ऊपर से शुरू होगी एक्टिविटी, वो है जो मतलब पहाड़ों में सबको पता होगा, शॉटले नहीं देते ये वही गड्ढे वाले। और भी अंदर स्कीइंग हो रही है, ये है जी एक्टिविटी एरिया। क्या बात है, बच्चा छोटा सा बच्चा भी कर रहा है यार। अंजू की डिमांड आई है इसको सबसे टॉप पे जाना है भाई, बर्फ है ये, रिस्किट होती होगी बर्फ, ऐसा नहीं है। ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है ऊपर जाना। अरे ये सबसे पहले यही गिरे, तूने बोल दिया ना, मार्क कर लो भाई अंकु के वर्ड्स। तो अंकु भाई ने बोल दिया कि सबसे पहले अंजना गिरेगी, अब कितना पॉसिबल है क्या है सब कुछ पता चलेगा। जिधर जिधर पैरों के निशान है उधर ही जाओ ताकि पता चले कि बर्फ कौन सी सॉफ्ट है और कौन सी आइस वाली है जो ब्लैक आइस है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये तो भाई फिर भी मेरे से फास्ट चल रहे भाई, क्या हो गया तू स्लो हो गया, तू फास्ट चाहिए हमें। अब ऐसे भी नहीं कि भाई एकदम स्टाइल मारते हुए जाना है भाई। कॉन्फिडेंस देखो लड़कियों का कैसे भागते हुए जा रही है दोनों, क्या बात है। तो बर्फ यहाँ पे मैं बोल दूँ तो 1 फीट से ऊपर ही है जितना हम आगे को जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है गाइस, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ आ रहा हूँ, ये वेट कर रहे ऊपर। अंकु भाई थोड़ा आगे आओ भाई, पूरे ना जूतों में पानी पानी चला गया इसका, बर्फ ही बर्फ की वजह से पूरी गीले हो गए जूते भाई। हाथ ठंडे मत करो, दिमाग लगाओ, जितना हमारे हाथ गर्म रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेट भी लेट होगा नीचे रील देखो, बर्फ तो पड़ी नहीं, तो तनुजा खुद से बर्फ डाल रही है। इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा इनका धंधा खत्म हो रहा, समझ गए हम। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये बर्फ जम जाएगी तो फिर ये धंधा वहाँ का यहाँ पे शिफ्ट कर देगा जब वहाँ पिघल जाएगी बर्फ। चलो कोई नहीं यार, बढ़िया से स्कीइंग कर रहा है, इससे मैं पूछता हूँ जरा। भाई तेरे को अच्छे से आती है स्कीइंग? भाई कब से कर रहा है तू स्कीइंग? छठा सातवां दिन है, आ गई है अच्छे से, गिरते भी है वैसे इसमें जी। क्या एज है तेरी? एज कितनी है? 11। क्या बात है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे बच्चे बच्चे भी, और ये सारे बच्चे लोकल है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि यार एक स्नो एक्टिविटी सीख रहे हैं। उधर को मत जा तनुजा, कहीं ऐसे ना धस जाए। अरे कुछ नहीं पता, तो एकदम से आएगा और धन करके अंदर। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। ओ कितने दिन हो गए थे? 6 सातवें दिन में गिर गया। ओहो बैक गियर लगा है, बैक गियर जरूरी है, गिर के ही सीखता मैं, है बंदा। मैं खेलूं, ये मुझे दोगे 50? क्या 50 रुपए? ओ भाई चल, अगर हम गिर गए वो फिर 50 रुपए वापिस? नहीं फिर 25 रुपए तो एक्स्ट्रा देगा हमें। ये देख ले पहले, तभी हम ले गए। चलो भाई रील बन रही है यहाँ पे फुल पावर, बाकी आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब भाई को 7 दिन हो गए तो भाई स्टिक नहीं ले पा रहा है, तो मैं हेल्प कर रहा हूँ स्टिक के लिए। कर रहे हैं हेल्प, देख ले भाई हेल्प कर रहा हूँ ना मैं, ये ले। चल भाई आजा नीचे को आजा, ऊपर से क्या बात है यार, मान गए। इस बार रील खराब मत करना प्लीज। रील बनाने की कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग बेचारे। तो सही बात है, एक तो नेटवर्क नहीं है और ऊपर से रील के लिए इतनी दिक्कत फंस रही है, पर कोई नहीं अब बनेगी। मेरे को बर्फ खानी है, बट यहाँ सारी स्केटिंग कर रहे हैं ना। पर आगे मत जाना, तू तो ऐसे बोल रही जैसे पेड़ से वो नहीं होते फ्रूट्स निकाल रहे, वो वाला फ्रूट, ये वाला फ्रूट भाई। अंजू देखियो कहीं बर्फ खानी महंगी ना पड़ जाए। खाने वाली? अच्छा थोड़ी खाएगी? खा तो सही तू पहले ले आजा, टेस्ट कर।
टेस्ट ऐसे बोल रही जैसे तूने बनाई है भाई। ओ। क्या हुआ बॉटन ने? क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है? यस। आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? नमक है, ये बोलेंगे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तभी सेंसिटिविटी है। क्या बात है, ओ भाई गिर गए। ये गेम भी बड़ी अच्छी है, ऊपर टायर से हम नीचे को आते हैं। टायर है वो। अब भाई रील बना के थक गई है? हम कुछ खाते हैं। क्या खाएगी यहाँ आके, क्या खाना चाहेगी? मैगी है। नहीं राजमा चावल वगैरह भी है। वो देख मेन्यू देख ले, इतना बड़ा मेन्यू है। अंकु हमारा गायब है, उसका इंतजार है, अब देर में आता है, तब तक हम मैगी का ऑर्डर कर दिया है। तो आ गई जी अपनी मैगी, काफी टाइम बाद इतना वेट करा हमने। इतना कॉफी भी बोलनी चाहिए थी हमें। कॉफी पीनी है अब थोड़ी ना, यहाँ पे पता क्या लग रहा है ना, ठंडा नहीं है क्योंकि धूप लगी हुई है बहुत। जब तक धूप है तब तक ठीक है, ना ध्रुव करने वाला है वो दिन। स्कीइंग नहीं है वो, शॉटला वही ऊपर से यार टायर पे फिसल के आ रहा है नीचे। हां शॉटला बोलते हैं, पक्का नहीं है, लेट्स सी। शॉटला ही बोलते हैं हमारी लोकल पहाड़ी लैंग्वेज में। अब यहां से उतरने का यही तरीका है कि फिसल के हमें यहां से नीचे उतरना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं मैं ऑन फुट ही चलूंगा, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, थोड़ा सा भरोसा है। पर ये तरीका भी ठीक है वैसे फिसल के जाने का। वाह पर गिर भाई ये बंदा, क्या खतरनाक। ओ आराम से ब्रेक नहीं लग रही, वेरी गुड तनुजा। तनुजा हिम्मत दिखा रही है यहाँ से जाने की, इसके पीछे हम ठीक है चले उतर जाएगी। भाई बंदों को बड़ी बड़ी अवस्थी चाहिए, आई गेस काफी इतना ऊपर। नहीं हाँ जी अभी नहीं, अभी फिसल जाएंगे। आजा अंकु आजा आजा, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड टैलेंट अंकु का। अंकु आराम से, बस 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 हो गया। नहीं 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 ब्रेक 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 ब्रेक, वेरी गुड। जा आजा आजा मैं पकड़ूंगा, कमान कमान ये ले ले। पीछे से क्यों फिसल रही है, पैर पे फिसल, पैर पे फिसल, बैठ के फिसल रही है। हाँ ऐसे फिसल, वो ले ले बोरी ले ले। मेरा फिसल हुआ पैर, अब गड्ढा लाओ ना, ये गड्ढे में फिसल गया। वो बेरिंग बेरिंग है कुछ ऐसे, वो है बेरिंग नहीं है, पाइप पे लगी हुई है, गड्ढा है ये गड्ढा। जाना है कि आना मेरे पीछे, आ जाओ बच्चों को पकड़ियो। हाँ ऐसे बोल रही थी मैं जैसे ध्रुव कर रहे हैं। मैं तेरे पीछे आती ऐसे आ गया मुझे। नहीं नहीं मेरे पीछे नहीं आना, मैं खुद करूंगा। 1 2 3 स्टार्ट पकड़ियो। हाँ नहीं चल रहे यार इसमें तू फिसल। हाँ ऐसे भाई से मांगते हैं अगर वो देता है हमें भाई प्लीज प्लीज एक सारी। इसको छोटू वाला नाम क्या आपका? समझ रहा है माशाल्लाह, ये फौरन का है कहीं और ले। वो ऊपर आ रहा था, नीचे जाएगा वो। एक एक राउंड तो दे दे यार। आ गए अंकु, आ गए अपनी गड्डी ले गए। नहीं नहीं अंकु हैंडल नहीं, आराम से आराम। ओए हमारी और बता, आराम से भाई क्या रिस्क लिया इसने इतना तगड़ा, मान गए अंकों को। नाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी पार्किंग लोकेशन में, और यहाँ पे भी यार बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और अब सोच रहे हैं कि व्लॉग भी एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। और अब नेक्स्ट व्लॉग शायद अगर हम जाते हैं हाटू पीक या कहीं भी नियर बाय कहीं भी जाते हैं तो आपको हम शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए करते हैं व्लॉग एंड। वी होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे व्लॉग को लाइक शेयर और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहते कि ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।